हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। दोस्तों आज हम फिर से गांव दीवला खेड़े में आए हैं और करीब रात के 8 बज रहे हैं और यहां एक घर के अंदर सांप बैठा है, तो चलिए देखते हैं कौन सा सांप है, आपको दिखाते हैं, आइए। ओहो तो निकालनी पड़ेगी ईट। मैं खुद भी बुलाओ यहाँ पे, कुछ शायद ईट ना निकालनी पड़े। हाँ फावड़ मांग लेते, चलन लगो बस 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 सीख दही होने कोई लकड़ी की लकड़ी दे देना पल्ली साइड पूछिए थे इधर ये कर भी थे लकड़ी पल्ली पूछिए था पल्ली साइड इधर मल्लम को जा देना ना मल्लम को ना मल्लम लाओ झाड़ू की सीख दे दूं ना झाड़ू की सीख दे झाड़ू सीख अरे झाड़ू की सीख दे भाई ये तो बड़ा मुंह लाइयो टॉर्च ने पल्ला का देखा मैं ए हां देख लियो पैसा में ना रहो दिख रहा पल्ला भैया तू दिख रहा हां नेक दिख रहा लेकिन दरा आया थोड़ी सी बात कम दरा आया भैया के बराबर है भैया तुम ले ले नीचे भाई नीचे ले इतनी पावर लगाई चलो भैया बजा भैया करो आगो कद्दू सीरो नेकर करो भाई वीडियो लेके पकड़ लो बस पकड़ लो अरे पकड़ लो आगो आगो ले टॉर्च पकड़ ले यहाँ जम के ले लेने के और पास आ जाने तो दोस्तों देखिए यहाँ से मिला ये इंडियन कॉमन करैत और दोस्तों ये इसका खास समय निकलने का, इस टाइम जब ये शाम का जैसे अंधेरा होता है और ये अंधेरे में ही निकलना पसंद करता है और पसंद इसलिए करता है दोस्तों कि इसको दिन में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। दोस्तों जिस तरह से हमें दिन में दिखाई देता है इसको रात में अच्छा दिखाई देता है और दिन में इसको बहुत ही कम दिखाई देता है, जिस तरह से हमें रात में बहुत कम दिखाई देता है इसको दिन में बहुत कम दिखाई देता है दोस्तों। और ये हमारे देश का बहुत ही जहरीला सांप है दोस्तों, इंडियन कॉमन करैत के नाम से जाना जाता है दोस्तों। कुछ जगह पर कुछ लोग इसको काल गड़ार के नाम से जानते हैं, कुछ लोग इसको बामन गंडा बोलते हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो स्पॉट हैं ये ब्लैक कलर के ऊपर जो वाइट स्पॉट हैं दोस्तों ये बामन गिनती में बामन स्पॉट बैठते हैं, तो इसलिए इसको कहीं कहीं बामन गंडा बोलते हैं, कहीं कुछ बोलते हैं। पर दोस्तों बता दूँ ये हमारे देश का बहुत ही खतरनाक और जहरीला सांप है दोस्तों। ये हमको काट भी लेता है और पता भी नहीं चलता कि इसने हमें काट लिया, क्योंकि इसकी खास बात है कि ये भारत का एक ऐसा सांप है दोस्तों जिसके जहरीले दांत सबसे बारीक और छोटे होते हैं दोस्तों, बहुत ही बारीक और पैने और छोटे छोटे दांत होते हैं इसके, और जो हमारे अंदर चुभ भी जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है कि हमें किसी चीज़ ने काट लिया। और दोस्तों इसका जहर कोबरा से भी 10 गुना ज़्यादा तीव्र होता है, जो कि हमें 40 से 45 मिनट में ही हमें कोमा के अंदर पहुंचा देता है दोस्तों। ऐसा सांप जब किसी को काट लेता है तो किसी भी बाबा के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, सीधे मेडिकल कॉलेज जाना चाहिए जहां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं, वहीं पर हमें वेंटिलेटर और एंटीवेनम की सुविधा मिल सकती है दोस्तों। उसके अलावा और कोई चारा नहीं है जो हमारी ज़िंदगी को बचा सके दोस्तों,
वैसे इसके काटे हुए लोग 95% लोगों की मौत हो जाती है, कुछ ही परसेंट 4-5% ही लोग जिंदे बचते हैं इसके काटे जाने पर। क्योंकि दोस्तों हर जगह जब लोग इलाज के लिए जाते हैं तो उन्हें पहुंचते पहुंचते देर हो जाती है और वो मौत के शिकार में आ जाते हैं। तो दोस्तों इसको डब्बे में पैक करते हैं और ले चलते हैं एक सुरक्षित जंगल में, जहां ये इंसानों से दूर रह सके और इंसान भी इसके नज़दीक ना जा सके। चलिए भाई, डिब्बा होगा हमारा, डिब्बा दीजिए ज़रा। दोस्तों सांप तो आप लोगों ने, एक मिनट चुप रहो, दोस्तों सांप तो आप लोगों ने बहुत बड़े बड़े देखे होंगे, जैसे कि रेड स्नेक काफ़ी बड़े साइज का होता है, लेकिन वो इसके मुकाबले कुछ भी नहीं है दोस्तों, उसका साइज ही बड़ा है। लेकिन ये जितने लोगों की जान ले सकता है वो बेचारा किसी को कोई तकलीफ भी नहीं पहुँचा सकता दोस्तों। वो एक नॉर्मल सांप होता है जिसे लोग घोड़ा पछाड़ सांप के नाम से जानते हैं, और ये सांप बहुत ही ख़तरनाक सांप होता है दोस्तों। ये इतना जहरीला होता है, जब ये काट लेता है तो कुछ ही परसेंट लोग इसके काटे जाने पर ज़िंदा बचते हैं दोस्तों। ये कोबरा से भी 10 गुना ज़्यादा जहरीला होता है, मैं फिर बताना चाहूँगा, और रात के समय ही निकलता है, शाम को निकलेगा ये, अंधेरा सूर्य ढलने के बाद निकलता है, और सूर्य उगने से पहले पहले ही ये अपना शिकार जो भी खाना पीना खा करके और टहल फेर के अपने एक सुरक्षित जगह में चला जाता है, जहाँ की गुप अंधेरा होता है दोस्तों। ये अंधेरे में ही रहना पसंद करता है, इसको अंधेरे में ही सब कुछ दिखाई देता है दोस्तों। बताना चाहूँगा कि रात के समय ये हमें काफ़ी दूर से देख लेते हैं, महसूस कर लेते हैं, हमारे पसीने की बदबू को ये काफ़ी दूर से सूंघ लेते हैं और हमें जो है काटने के लिए भी आ जाते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं कि ये नहीं काटते, ये हमारी गंध जो है पसीने की उसको सूंघते सूंघते हमारे बिस्तर में भी आ जाते हैं, और हमारे जूते में जिस तरह से मोजे वोजे होते हैं उनके अंदर भी ये छुप के बैठ जाते हैं। ऐसी जगहों पर ज़्यादा आते हैं दोस्तों जहाँ इंसानी पसीने की बदबू ज़्यादा आती हो, वहाँ इनके आने की सबसे ज़्यादा आशंका रहती है। और जो भी इसके शिकार हुए हैं ज़्यादातर दोस्तों वो सोते हुए लोग शिकार हुए हैं, सोते हुए लोगों को ये काट लेता है और लोगों की सोते सोते ही जान चली जाती है, सुबह को जब मिलते हैं लोग तो मरे हुए मिलते हैं। तो दोस्तों इस तरह का ये ख़तरनाक सांप है, इसको भारत में साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है। ये चुपके से हमारे बिस्तर में आता है और काट करके चला जाता है और इंसान की मौत हो जाती है। तो चलिए दोस्तों ले चलते हैं इसको जंगल में, फिर मिलते हैं, बाय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर भी कीजिए दोस्तों, और चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी कीजिए, और ताकि और लोगों तक हम पहुंच सकें और किसी के काम आ सकें दोस्तों। रात के समय हमारी ये सेवा 24 घंटे उपलब्ध रहती है, अगर हम खाली हैं और किसी का कॉल आता है रात को कितने भी बजे, तो दोस्तों हम हर समय जाने के लिए तैयार रहते हैं। चलिए दोस्तों, बाय।